આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતના પ્રભારી રાઘવ ચડ્ડાએ સુરત ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોએ એક રિપોર્ટ સરકારને સોંપ્યો છે જે ચોંકાવનારો છે, જેમાં આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં નજીવા માર્જિન સાથે સત્તા આરૂઢ થશે. ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીની વેવ દેખાઈ રહી છે. આમ આદમી પાર્ટીની લોકપ્રિયતા ગુજરાતમાં સતત વધી રહી છે, જેનું પરિણામ આગામી વિધાનસભાની બેઠકમાં દેખાઈ શકે છે. જે રીતે ગાંધીજીએ દાંડી ખાતેથી મીઠાનો સત્યાગ્રહ શરૂ કરીને અંગ્રેજ સરકારને હરાવ્યા હતા, એ જ રીતે અત્યારના કાળા અંગ્રેજોને પણ હરાવવા માટેનો સંકલ્પ કર્યો છે. રાજ્યના ગૃહમંત્રી દ્વારા તાજેતરમાં જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે અમને મળતા ઇનપુટના કારણે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સ ઝડપાઈ રહ્યું છે. જો કે આ બાબતે આશ્ચર્યજનક રીતે રાઘવ ચડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે અમે ઇનપુટ્સ આપી રહ્યા છીએ અને ડ્રગ્સ ઝડપાઈ રહ્યું છે. સબસે પહેલે આજ સાબરમતી કે સંત, ગુજરાત કે બેટે, भारत देश के राष्ट्रपिता परम पूज्य बापू की जयंती है. हम उनकी जयंती पर समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए आज बापू के, महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. आज डांडी में, वो धरती जहाँ से बापू ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी थी और अहंकारी अंग्रेज़ी हुकूमत को आम आदमी की क्या ताकत होती है वो एहसास कराया था, आज उसी डांडी की धरती पे हाथ में माटी लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आईबी यानी कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंसी जो हर चुनाव से पहले सर्वे करती है, हर चुनाव से पहले सरकार में बैठे अपने बड़े अधिकारियों को, आकाओं को ये बताती है कि चुनाव के नतीजे क्या होने जा रहे हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है. आज उस आईबी की एक रिपोर्ट सूत्रों के हवालों से सार्वजनिक हुई है, जिससे यह पता लग रहा है कि आने वाले 2022 के चुनावों में एक छोटे से मार्जिन से, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वेफर थिन मेजॉरिटी से, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है. आज गुजरात में पिछले कुछ महीनों से मैक्सिमम रिकवरीज गुजरात के पोर्ट पे जो ड्रग्स की हुई वो पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग के इनपुट की वजह से हुई. हमें इनपुट मिला, हमारी सरकार ने इंटरसेप्ट किया, हमने बताया कि फलानी जहाज से इतना किलोग्राम इतना पैकेट आ रहा है, इस पैकेट में होगा, ये बंदा शायद भेज रहा है, आप इसे पकड़िए, तो वो पकड़ा गया. आज पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ड्रग्स सीज करने में मदद कर रही है. लेकिन इस मुद्दे से भटकिए मत, आज मुद्दा ये है कि क्या सरकार की या सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं या सरकार के बाहर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि गुजरात ड्रग्स के मामले में भारत देश का एंट्री पॉइंट बन गया. ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चिंता का विषय है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है. અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ.